अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटपटे से क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी। ये रेसिपी बारबेक्यू स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी है। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप ये स्वीट कॉर्न ली हूँ। अभी इसको हम लोग बॉईल कर ले लेंगे। इसको बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक डिश में पानी लिया है। अभी इसको पानी को अच्छे से बॉईल आने देंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से गर्म हो जाने के बाद पानी अब इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न को, और इसको एक बार चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने तक इसको हम लोग कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको एक बॉईल आने तक इसको कुक कर लिया। अब इसको हम लोग छान कर ले लेंगे इस तरह से, छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। इसको छान लेने के बाद अब इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह ठंडा हो जाने के बाद अब इसको एक बॉल में ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये दो चम्मच मैंने यहाँ पे ली हूँ चावल का आटा। अब इसमें जाएगा दो चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। ये दो चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लावर भी लिया है। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच जितना यहाँ पे मैदे आटा लिया है मैंने। इन सबसे क्या ये अपने कॉर्न अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जितना ये काली मिर्च का पाउडर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक एक चौथाई चम्मच जितना, और इसको अभी अच्छी तरह से एक कॉर्न को इन पाउडरों के साथ में कोट कर ले लेंगे इस तरह से। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ इस तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद ये पाउडर सब अच्छे कॉर्न में कोट होने तक इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसका ये जो एक्स्ट्रा पाउडर जो है इसको हम लोग निकाल लेंगे और कॉर्न को अलग कर ले लेंगे। आप इसको छन्नी की मदद से भी छान कर ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से इसको हाथ के मदद से इस तरह से इसका जो आटा है उसको अलग करके कॉर्न को अलग कर लूँगी। इस तरह से सब कॉर्न को हम लोग निकाल कर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे इतने अभी इतना आटा इसमें बचा हुआ है। अब इसको साइड में रख देंगे। अभी ये कॉर्न को हम लोग फ्राई कर ले लेंगे। यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पैन में गर्म कर लिया है। गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और ये हम लोग कॉर्न डाल के इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे सब कॉर्न को इस तरह से हाथ के मदद से एक एक करके इस तरह से छोड़ देंगे। ध्यान से इसको डाल देंगे। ये कॉर्न ऑयल में जाने के बाद फट जाती है। इसको ढक के थोड़ा सा कुक करेंगे। एक दो मिनट इसको ढक देने के बाद इसको हटा लेंगे और इसको कॉर्न को हम लोग क्रिस्पी होने तक इस तरह से कुक करेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से अभी ये फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं कॉर्न। इसको अभी मैं निकाल कर ले लूँगी एक प्लेट में। यहाँ पर मैंने इसको कॉर्न को निकाल लिया और इसको एक बॉल में डाल कर ले लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से पाउडर मसाले। आधा चम्मच डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर, ये थीकी वाली है। आप बच्चों लोग के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर लेना, रेड चिल्ली को स्किप कर लेना। अब इसमें ऐड करेंगे ये मैंने डाल दिया है चाट मसाला आधा चम्मच। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जितना ये मैंने ब्लैक सॉल्ट ली हूँ इसको ऐड करेंगे। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता एक चम्मच जितना बारीक कटा हुआ। अब इसमें ऐड करेंगे ये ज़ीरा पाउडर, मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जितना ज़ीरा पाउडर ली हूँ, और एक लेमन का जूस इसमें ऐड कर ले लेंगे इस तरह से। और इन सबको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी बारिश के मौसम में कॉर्न मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और ये रेसिपी बड़ों को और बच्चों को सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और झटपट से बन जाती है और खाने में भी बहुत ही मज़े की और चटपटी से लगने वाली क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी है। चलिए अब ये हमारे क्रिस्पी कॉर्न बनकर तैयार है। चलिए अब इसको हम लोग सर्व कर लेते हैं। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।